भारती जो कि खुद एक स्त्री है, आज उसको खुद को नहीं पता कि उसका अस्तित्व क्यों बचा हुआ है। आज वो जिस कॉमेडियन शो में बैठकर आज दिन वो केशों की बात करती है, उसको देखना चाहिए कि उन्हीं केशों को बचाने के लिए, आज उसके अस्तित्व को बचाने के लिए इतने महापुरुषों ने शहादत दी है। अगर ये दाढ़ी और जो केश ना होते तो आज ये हमारा अस्तित्व ना बचता। और दाढ़ी केश पर टिप्पणियां करने वालों को मैं ये हिदायत जरूर देना चाहती हूँ कि अगर वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। काफी प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन भिजवाया कि सिंह बंदियों की रिहाई की जाए, गुरु साहिबान का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, सिखों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है आज सिखों को उनके अधिकार दिए जाएंगे। हमने जो 1 मई को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था कि सिंह बंदियों की रिहाई की जाए, और उस पर एजिटेशन करने के बाद काफ़ी सिख जथेबंदियां जो है वो हरकत में आई हैं और एक छत के नीचे इकट्ठा होना भी शुरू हो गई है। श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की मुख सेवादार बीबी अनुराधा भार्गव सचखंड श्री दरबार साहब नतमस्तक होने पहुंचे, जिथे उन्होंने वालों श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान एडवोकेट हरजिंदर सिंह धामी के नाल मुलाकात भी की। इस दौरान उन्होंने कहा कि देश विच बंदी सिंघां नूं रिहा करने वास्ते बहुत बार असी देश दे प्रधानमंत्री नूं पत्र लिख चुके हां अते जंतर मंतर ते वी साडे वल्लों इस नूं लै के धरना प्रदर्शन भी किया गया। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि देश दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वल्लों बंदी सिंघां नूं रिहा करन दे लई कारवाई शुरू भी की गई सी, जिस दे तहत श्रोमणी कमेटी दे प्रधान हरजिंदर सिंह धामी दे नाल मुलाकात भी की है। इस दे नाल ही उन्होंने कहा कि बीते दिन कॉमेडी कलाकार भारती सिंह वल्लों दिते गए बयान ते बोलदे होए बीबी अनुराधा भगवत ने कहा कि सिखां नूं जान बुझ के निशाना इस तरह दे लोग बनाउंदे हन। उन्होंने कहा कि जेकर वह सिखा दी बेटी है तो उसनू दाढ़ी अते मुछा दी परिभाषा का भी पता होना चाहिए। इस दे नाल ही अगे बोलदे होए उन्होंने कहा कि लगातार ही यतन कर रहे हैं कि होरना स्टेटा दे विच भी पंजाब अते पंजाबीयत अते गुरु साहिबां दी सिख्या नू पढ़ाया जाए। देखिए श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड पिछले लंबे समय से श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रचार और सिखों के अधिकारों की आवाज़ उठाती आई है। पिछले लंबे समय से काफ़ी प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन भिजवाया कि सिंह बंदियों की रिहाई की जाए, गुरु साहिबान का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, सिखों के अधिकारों का जो हनन हो रहा है आज सिखों को उनके अधिकार दिए जाए। क्योंकि पिछले लंबे समय से 1947 से पहले भी राजनीति का शिकार सिख होते आए हैं और आज भी लगातार हो ही रहे हैं। तो हमने जो 1 मई को जंतर मंतर पर भी प्रदर्शन किया था कि सिंह बंदियों की रिहाई की जाए, और उस पर एजिटेशन करने के बाद काफ़ी सिख जथेबंदियां जो हैं वो हरकत में आई हैं और एक छत के नीचे इकट्ठा होना भी शुरू हो गई है। तो खुशी है कि देखिए श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड अगर कोई प्रयास कर रही है तो कहीं ना कहीं उसका असर भी देखने को मिल रहा है। आप देखिए छत्तीसगढ़ यूपी में गुरु तेग बहादुर जी का जीवन इतिहास लागू कर दिया गया है। ऐसे ही श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड चाहती है और प्रयास भी कर रही है कि जो गुरु साहिबान का इतिहास है वो हर एक स्टेट में पढ़ाया जाए, लगातार कोशिशें कर रही है। जी एसजीपीसी प्रधान साहब को हम मिले, हमने उनके सामने 2-3 बातें रखी हैं सिख समाज के हितों को लेकर कि अपना खालसा एजुकेशन बोर्ड होना चाहिए ताकि हमारे बच्चे उस अभ्यास को उस इतिहास को पढ़े ताकि जो हमारे महापुरुषों ने हमें सिखाया है, ना कि कोई मुगल आक्रांता जिन्होंने हमारे ऊपर अत्याचार किए हैं औरंगजेब जैसे को पढ़े। तो आज प्रधान जी से मुलाकात के दौरान हमने ये भी बात कही है कि अगर बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ लोग लगा सकते हैं, एसजीपीसी एक बहुत बड़ी संस्था है, तो कुछ ऐसे लघु उद्योग लगा सकते हैं, इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हैं, कुछ ऑर्गेनिक्स लाइक दाल हल्दी सब्जी मसाले, ताकि एक बड़ी फैक्ट्री का निर्माण किया जाए और हमारे जो बच्चे आज विदेश जाने पर मजबूर हैं सिखों के, तो उन बच्चों को खुद का रोज़गार मिल सके और हमारा जो पंजाब है वो खुशहाल हो सके। क्योंकि आज पंजाब जो है राजनीति का शिकार बन रहा है, हर बार जब भी देखा जाता है तो राजनीति की जाती है, कहीं ना कहीं सिखों के अधिकारों का हनन होता आया है। तो उसी पर आज प्रधान साहब से मिले, 2-4 बातें और जो हमारी थी जो हम चाहते हैं कि सिखों के हितों के लिए हों, तो उसी बारे में आज विचार किया गया। साथ में हमारे ज्ञान तेजपाल सिंह जी कुरुक्षेत्र से, भाई अमीर सिंह जी, भाई परमिंदर सिंह जी, सभी आए हैं यहाँ पर श्री गुरु तेग बहादुर ब्रिगेड की तरफ से। जी देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि भारती जो कि खुद एक स्त्री है, आज उसको खुद को नहीं पता कि उसका अस्तित्व क्यों बचा हुआ है। आज वो जिस कॉमेडियन शो में बैठकर आज दिन वो केशों की बात करती है,
उसको देखना चाहिए कि उन्हीं केशों को बचाने के लिए, आज उसके अस्तित्व को बचाने के लिए इतने महापुरुषों ने शहादत दी है। अगर ये दाढ़ी और जो केश ना होते तो आज ये हमारा अस्तित्व ना बचता। और दाढ़ी केश पर टिप्पणियां करने वालों को मैं ये हिदायत जरूर देना चाहती हूँ कि अगर वो इस तरह की टिप्पणियां करते हैं तो उनका घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। ये सिख समाज के लिए नहीं, ये सनातन की बेटी की भी आवाज़ है। और मुझे बहुत बुरा लगा है, मैं खुद एक एडवोकेट होने के नाते मैं ये कहना चाहती हूँ कि इसके ऊपर देश से इतनी FIR होनी चाहिए कि जब ये घर से निकले तो इसको दाढ़ी और केश के बारे में पता चले कि इसने जो टिप्पणियाँ की है कि दाढ़ी और केश के बारे में, किसी को भी अधिकार नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर समय रहते ऐसी आवाज़ें बंद नहीं की गई, ऐसी बातों का विरोध नहीं किया गया जैसा कि भारती ने बोला है। और दुख की बात यह है कि वो अमृतसर में पैदा हुई है, इस धरती पर, इतनी पवित्र धरती पर पैदा होकर उसको खुद का इतिहास नहीं पता, उसे गुरु साहिबान का इतिहास नहीं पता, क्या उसे सिख समाज के बारे में नहीं पता? उसको जताना होगा, हर जिले से एक FIR भारती के खिलाफ जरूर होनी चाहिए ताकि उसको उसका अस्तित्व पता चले कि आज जिन दो बालों को गिराकर वो आज बात कर रही है केश और दाढ़ी के लिए, उसको उसका परिणाम भुगतना होगा। अमृतसर तो जसकरण सिंह की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स।